वेलकम टू अजय कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1H के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, इसमें ऐड करना है इनको। देखिए 16 और 12 के एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा 48 माइनस 5 हमने कॉपी किया इनटू 16, 3 जा 48 हो गया, प्लस 7 कॉपी किया इनटू 12, 4 जा 48, तो 4 यहां पे आ गया। एलसीएम तो 48 था ही, ये हो जाएगा 5, 3 जा 15, प्लस 7, 4 जा 28। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, 8 से 5 जाएगा बचेगा 3, 2 से 1 जाएगा बच जाएगा 1, ये हो जाएगा 13/48। सब्ट्रैक्ट क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉजिटिव है 15 नेगेटिव है, अपोजिट साइन अगर है तो हमें उनको सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ता है, इसलिए आंसर हो गया 13/48। इसके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन करेक्ट हो आप उसको टिक कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 पे हमने देखा डिनोमिनेटर्स नेगेटिव हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में डिनोमिनेटर्स का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, और डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग गिवन रेशनल नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो नोट की 8/-15 इक्वल्स 8/-15, 8 को मल्टीप्लाई कराया -1 से और -15 को मल्टीप्लाई कराया -1 से, तो हो गया -8/15। सेकंड रेशनल नंबर है 4/-3 इक्वल्स हो जाएगा 4/-3 इंटू -1 इंटू -1, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स इक्वल्स -4/3। अब इनका एडिशन स्टार्ट करते हैं, 8/-15 की जगह लिख सकते हैं -8/15 प्लस दूसरा हो जाएगा -4/3 इक्वल्स हो जाएगा स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में 15, एलसीएम आ जाएगा 15 और 3 का। अब देखिए -8 हमने कॉपी किया इनटू 15 से 15 को डिवाइड करेंगे, वन टाइम डिवाइड जाएगा, प्लस लगा था लगा दिया, -4 था नोट कर दिया, इनटू 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स डिवाइड जाएगा, 5 को यहां नोट कर देंगे, अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट्स 15, 8 1 8 और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 5 4 20। 20 नेगेटिव है, 8 भी नेगेटिव है, दोनों सेम साइन है, सेम साइन के नंबर्स को हमेशा ही ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा -28/15, ये हो गया आंसर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, यहाँ पे केवल एक रेशनल नंबर ऐसी है जिसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो याद रखिए पहले हम उसे पॉजिटिव करेंगे, उसके बाद ही आगे वर्किंग होगी। अगर आप बिना उसको पॉजिटिव किया है वर्किंग को आगे बढ़ाते हैं तो क्वेश्चन आपका 100% गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराया हमने -1 से, इक्वल्स हो जाएगा -7/26। अब देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट किया हमने कि हो जाएगा -7/26, भाई जो 7/-26 था वो चेंज होके आ गया -7/26, हमने इसको नोट कर लिया, प्लस ये हो गया 16/39, एलसीएम लेंगे इनका तो हो जाएगा 78। किसका एलसीएम लेंगे भाई, 26 और 39 का, एलसीएम हो गया 78। -7 नोट किया इनटू 26, 3 जा 78 होता है 3 यहाँ पे आ गया, प्लस 16 नोट किया इनटू 39, 2 जा 78 होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद अपॉन में 78 लिखा रहने दिया, 7 3 जा 21 हो जाएगा, प्लस 16 2 जा 32। अब देखिए स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि 21 नेगेटिव है, 32 पॉजिटिव है, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 1 बच जाएगा और 3 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 1 आ जाएगा, 11 आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं स्टूडेंट्स 3+5/-7, तो सेकंड रेशनल नंबर है स्टूडेंट्स 5/-7, इसके डिनोमिनेटर को भी पहले हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो जाएगा 5/-7 इनटू -1 इनटू -1, तो ये हो जाएगा -5 और माइनस माइनस का प्लस 7 1 जा 7 हो गया। अब फिर से क्वेश्चन नोट किया तो 3+5/-7 जो था उसको हमने चेंज करके -5/7 कर दिया है, 3 के अपॉन में 1 कंसीडर किया, 1 और 7 के एलसीएम लिया तो हो गया 7। अब हमने 3 यहाँ कॉपी किया इनटू 1 से 7 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 7 टाइम्स जाएगा, 7 नोट कर दिया, प्लस ये हो गया -5 इनटू 7 से 7 को डिवाइड कर दिया, 1 टाइम डिवाइड हो गया, तो हो जाएगा स्टूडेंट 7 3 से 21 -5/7, 21 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 16, ये हो गया 16/7 इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स चलिए भाई अब आते हैं
क्वेश्चन नंबर 5 पे, यहाँ पे पहली रेशनल नंबर ही ऐसी है जिसका डिनोमिनेटर निगेटिव है, और हमने सीखा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हमें डिनोमिनेटर को हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। हमने नोट कर लिया इसको, 31 upon -4 = -1 into -1 into -1 = हो जाएगा -31 upon 4। ये माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। अब क्वेश्चन कॉपी करते हैं, 31 upon -4 की जगह पे आ गया है -31 upon 4 +-5 upon 8। एलसीएम लेंगे 4 और 8 का, तो हो जाएगा 8 -31 नोट किया इनटू 4 से 8 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 2, यहाँ पे लिख दिया प्लस, ये हो गया -5 into 8 1 8 1 यहाँ पे आ गया, अपॉन में 8 हो गया, 2 1 2 2 3 6 -62 -5 1 5 तो जाएगा -67 upon 8। ये आंसर हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है स्टूडेंट्स, व्हाट शुड बी एडेड टू 7 upon 12 टू गेट -4 upon 15। और ऐसे क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स हमने बताया है, सबसे पहले आप उसको लेट कर लीजिए एक्स, लेट कर लिए हमने यहाँ पे सोल्यूशन, ये से स्टार्ट है लेट से, लेट x should be added क्या है, subtracted क्या है, multiply क्या है, divide क्या है, सभी को ऐसे solve करना है। मान लिया students हमने let x should be added, अब उसने क्या कहा था, what should be added to 7 upon 12, मतलब 7 upon 12 में क्या add किया जाए। हमने मान लिया कि 7 upon 12 में x add किया जाए, तो to get मतलब equal कितना हो जाए वो -4 upon 15। कितना clear हुआ, नहीं क्लियर हुआ, फिर से देखिए एक बार। उसने कहा था व्हाट शुड बी एडेड टू 7 upon 12, 7 upon 12 में कितना ऐड कर दें कि वो -4 upon 15 हो जाए। तो हमने किया क्या, 7 upon 12 में x ऐड कर दिया, तो हमें मिल गया -4 upon 15। सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे, x हमने यहाँ रोक लिया क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालनी थी, अदर साइड पे है -4 upon 15। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस का 7 upon 12 अदर साइड पे ट्रांसफर करेंगे, तो हो जाएगा -7 upon 12। अब एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स इसका, तो 15 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 16, ये हो जाएगा -4 into 15 4 जा 60 -7 into 12 5 जा 60, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 4 जा 16 -7 5 जा 35 ये हो जाएगा स्टूडेंट्स अपॉन में आ गया 60 और 35 16 होता है 51, लेकिन माइनस का 51 आएगा क्योंकि दोनों नंबर सेम साइन के हैं, सेम साइन के नंबर्स को हमेशा ऐड करते हैं और साइन लगाते हैं ग्रेटर नंबर का, 35 यहाँ पे ग्रेटर है। और जब हम कुछ बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम होती है, वो सोचते हैं -16 और -35 में तो ग्रेटर -16 है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसी सिचुएशन पे हम कंपेयर करेंगे तो 35 और 16 से कंपेयर करते हैं, माइनस के साइन से नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं 3 सेम, तो ये आ जाएगा 17 और 3 2 6 20, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -17 upon 20। अब करेंगे क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेट की जगह पे लिख देंगे, सो एक्स की जगह पे आंसर आ जाएगा -17 upon 20 शुड बी एडेड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है स्टूडेंट्स 2 upon 3 plus -4 upon 5 plus 7 upon 15 plus -11 upon 20, हमें इसको ऐड करना है स्टूडेंट्स। अगर आप चाहें तो दो दो का ग्रुप बना के इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप एक साथ सभी कैल्शियम ले लें, तो देखिए 3 5 15 और 20 कैल्शियम अगर आप लेते हैं तो मिल जाएगा आपको 60। अब सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं, अब यहाँ पे हमने नोट किया 2 3 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो 20 टाइम्स डिवाइड होगा प्लस, ये हो जाएगा -4 into 5 से 60 को डिवाइड करेंगे 12 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा प्लस 7 into 15 से 60 को डिवाइड कर देंगे 4 टाइम्स डिवाइड होगा प्लस -11 into 23 जा 63 हो जाएगा 3 यहाँ पे इक्वल डिनोमिनेटर में नोट कर दिया स्टूडेंट 60 22 जा 40 -12 4 जा 48 +7 4 जा 28 -11 3 जा 33। अब जो सेम साइन के नंबर्स उनको एक पास नोट करेंगे, देखिए 40 के पहले कोई साइन नहीं पॉजिटिव लिया जाएगा, इसके बाद 28 के पहले प्लस साइन, तो इन दोनों को एक पास रख लिया, 48 के पहले माइनस साइन, इनको बाद में रख दिया -33 अपॉन में आ गया 60। ऐड करते हैं सेम साइन वाले नंबर्स को,
40 और 28 हो जाएगा 68। अब देखिए 48 भी निगेटिव है, 33 भी निगेटिव है, सेम साइन के अगर नंबर्स हैं स्टूडेंट्स तो हमें उनको ऐड करना होगा। ऐड करते हैं इनको, तो 38 हो जाएगा 11, 31448, लेकिन माइनस के 81 हो जाएगा अपॉन 16। अब देखिए 68 है पॉजिटिव, 81 है निगेटिव, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 81 से 68 सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो बचेगा माइनस 13 अपॉन 60 और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स द सम ऑफ टू नंबर्स इज -4/3 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -5 व्हाट इज द अदर। स्टूडेंट्स ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमने किए हैं पिछली एक्सरसाइजेस में, चलिए वैसा ही क्वेश्चन एक और आया उसको भी सॉल्व करते हैं और जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी को हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो अदर नंबर फाइंड करने का सीधा सा फॉर्मूला होता है अदर नंबर या द अदर नंबर इक्वल्स, द अदर नंबर इक्वल्स ये होता है सम ऑफ टू नंबर्स माइनस वन नंबर, ये फॉर्मूला होता है। इसको आप लगाएंगे हमेशा ही करेक्ट आंसर आएगा। उसने एक बार कहा था द सम ऑफ टू नंबर्स इज -4/3, दो नंबर्स को ऐड किया गया तो उनका सम आया -4/3। फिर कह रहा इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -5 उनमें से वन नंबर -5 है व्हाट इज द अदर, तो दूसरा नंबर क्या होगा। हम लोगों ने स्टूडेंट्स फॉर्मूला लगा दिया द अदर नंबर इक्वल्स सम ऑफ टू नंबर्स माइनस वन नंबर, सम ऑफ टू नंबर दे रखा है -4/3, ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस हमने ये अप्लाई कर दिया, वन नंबर दिया हुआ है -5 तो ये हमने नोट कर दिया -5 मगर ब्रैकेट में जिससे कि दो साइन एक साथ ना होने पाए, अपॉन में हमने इसके कंसिडर कर लिया वन इसकी सॉल्विंग के लिए। 3 और 1 कैल्शियम लिया हम लोगों ने 3 हो गया -4 इंटू 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस यहाँ नोट किया ये हो गया -5 इंटू 1 से 3 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 3 टाइम्स जाएगा डिवाइड, अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे 3 ये हो जाएगा -4, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस 5, 3 15 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स 15 पॉजिटिव और 4 निगेटिव है, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा 11 अपॉन हो जाएगा 3 और यही हो जाएगा अदर नंबर, वो क्या होगा 11 अपॉन 3। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं स्टूडेंट्स व्हाट शुड बी एडेड टू -5/7 टू गेट -2/3। स्टूडेंट्स जैसा भी हमने क्वेश्चन किया था इसके पहले वैसा ही सेम क्वेश्चन आ गया है, फिर से हम लोग इसको करते हैं। उसने कहा व्हाट शुड बी एडेड टू -5/7, -5/7 में कितना ऐड कर दिया जाए कि हमें गेट हो जाए कितना -2/3। सॉल्यूशन स्टार्ट करके लिखते हैं लेट एक्स शुड बी एडेड, मान लिया हमने कि हमें एक्स ऐड किया जाना चाहिए, किसमें ऐड किया जाना चाहिए एडेड टू -5/7, -5/7 में ऐड किया जाना चाहिए तो हमने किया -5/7 ऐड कर दिया एक्स तो हमें मिल गया -2/3। अब देखिए स्टूडेंट्स वैल्यू तो हमें निकालनी है एक्स की क्योंकि उसी को हमने लेट किया है, एक्स को बचा लेंगे -5/7 को भेज देंगे राइट हैंड साइड तो माइनस का 5/7 है उधर जाने पर हो जाएगा प्लस का 5/7 तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बच जाएगा एक्स इक्वल्स -2/3 माइनस हो जाएगा उधर प्लस 5/7 ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स 3 और 7 कैल्सियम लेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 21 -2 इंटू 3 से 21 को डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स डिवाइड होगा प्लस 5 इंटू 7 3 से 21 3 यहाँ पे आ जाएगा ये हो जाएगा x इक्वल्स 21 7 2 जा 14 प्लस 5 3 जा 15। अब देखिए स्टूडेंट्स 15 पॉजिटिव है 14 निगेटिव है, अपोजिट साइन और अपोजिट साइन है हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं 15 से 14 जाएगा बचेगा 1 1 अपॉन 21 हो जाएगा इसका आंसर। स्टूडेंट लेट की जगह जल्दी से लिखते हैं हम लोग सो x की जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन 21 शुड बी एडेड, बस यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/3 टू गेट 5/6। इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा है, पहले क्वेश्चन में ऐड करने के लिए कहा था, प्रोसेस सेम रखेंगे कोई चेंज नहीं होगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं लेट एक्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड
अब देखिए भाई, वह एडेड था, यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड है, और सब्ट्रैक्शन के केस हमने सीख रखा है पहले की एक्सरसाइजेस में कि फ्रॉम के बाद वाले नंबर को हमेशा पहले लिखा जाता है सब्ट्रैक्शन के केस में। तो फ्रॉम के बाद हमारे पास गिवन है -5/3, इसको पहले लिख दिया। अब देखिए भाई, यहाँ पे हमें ऐड करना था इसलिए प्लस लगाया था, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस लगा दिया। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? एक्स को, तो हमने एक्स यहाँ पे नोट कर दिया। इक्वल्स क्या गेट हो रहा था? जो भी चीज गेट होती है उसको इक्वल के अंदर सेट पर रख देते हैं। आप सभी को पता है कि हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो हमें इस क्वांटिटी को जो -5/3 लिखी हुई है इसको भेजना पड़ेगा राइट हैंड साइड पे। तो -5/3 जब राइट हैंड साइड पे जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस बदल जाएगा प्लस में। फिर से ध्यान रखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, देखिए माइनस का 5/7 था, अदर साइड पे भेजा तो ये वाला माइनस हो गया जाके प्लस। ओके, वही काम यहाँ भी करेंगे तो ये हो जाएगा x, मगर इस x के पहले माइनस लगा हुआ है, इस बात को नहीं भूलिएगा। क्योंकि यहाँ भी देखिए प्लस था, तो प्लस आपको शो कराने की जरूरत नहीं होती है जब अकेला होता है कोई नंबर या कोई वैल्यू, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस को हमें शो कराना पड़ेगा। इक्वल्स हो जाएगा स्टूडेंट्स 5/6, माइनस उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 5/3। माइनस एक्स इक्वल्स 6 और 3 के एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, ये हो गया 5 × 6 × 1 = 6 प्लस 5 × 3 = 6, तो यहाँ पे आ गया 2। माइनस एक्स इक्वल्स 5 × 1 = 5 प्लस 5 × 2 = 10 अपॉन 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, 10 और 5 हो जाएगा 15, तो हो गया 15/6। अब वैल्यू तो हमें स्टूडेंट्स निकालनी थी x की, मगर हमें मिल क्या रहा है? माइनस का x, तो ये जो x के साथ माइनस लगा है इसको हम भेज देंगे 15/6 के पास में, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स -15/6। अब देखिए कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर देते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -5/2। देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर लेट की जगह हो जाएगा सो, x की जगह पे आ जाएगा -5/2 should be subtracted। Okay students, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बचे हुए जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1H के उनको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए, क्योंकि जैसे ही हमारे चैनल पे 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे हम लाइव भी आना स्टार्ट करेंगे। लेकिन तब तक आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ में, वीडियो को हमारे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ सकें।